प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान केस पे दमदार और बेबाक राय। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाजिया जी से 2-3-4 प्रोग्राम किए लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, मुख्तलिफ एंगल्स के साथ हमने डिस्कस किया। इवन दूसरी साइड की ओपिनियन भी रिसेंटली हमने आप तक पहुंचाई कि जो नदीम खान की जो ओपिनियन है या जो दूसरे लोग जो भी सोच रखते हैं वो आप तक पहुंचाई। मेरा काम था सवाल करना। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली प्राइम मिनिस्टर मोदी तक जा पहुंची है और वहां पे जाके क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की है या क्या इस केस में नई डेवलपमेंट हुई है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। क्या सलमान खान जल्द ही जेल जाते नजर आ रहे हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे नाजिया इलाही खान जी से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। बोलिए, मैं तो बहुत अच्छी हूँ भाई, बड़ी जबरदस्त हूँ। आज फ्रेश भी लग रही है और मैं देखने वालों को बता दूं ये जिस टाइम पे रिकॉर्डिंग हो रही है आप तक जब पहुंचेगी वो तो शायद सुबह 11-12 बजे ऑलमोस्ट का टाइम होगा, लेकिन अभी 2 बजे, रात के 2 बज रहे हैं। मेरी फेस पे फ्रेशनेस हो ना हो लेकिन सामने वाले के फेस पे बिल्कुल फ्रेशनेस है और इतनी एक्टिवनेस या इतनी फ्रेशनेस कहाँ से आती है ये समझ से बाहर है। नाजिया जी टॉपिक पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगी, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में, लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली अदालत में और उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तक जा पहुंची है, क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो फ्रेशनेस के बारे में बताऊंगी कि योग करने से एक्टिव भी रहता है इंसान और बहुत एनर्जेटिक भी रहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री को जब जब हम देखते हैं ना, और इस उम्र में जिस हिसाब से वो एक्टिवली काम करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, तो हमें उनको देख करके ऐसा एहसास होता है कि हम भी उनकी तरह उनके नेतृत्व में उनकी एनर्जी को फॉलो करते हुए हम भी काम कर लेते हैं। तो रात का 2 बजे या सुबह का 4 बजे नाजिया एक्टिव दिखाई देती है। जब अफजल गुरु के लिए राष्ट्रपति भवन जाया जा सकता है, जब याकूब मेमन के लिए को बचाने के लिए सारे कांग्रेसी पॉलिटिशियन खड़े हो सकते हैं, जब अजमल कसब की हिमायत करने के लिए कांग्रेसी पॉलिटिशियन खड़े हो सकते हैं, जब जाकिर नालायक जाहिल नालायक से गले लग लग करके और हगिंग और पप्पी किसी कर सकता है दिग्विजय कांग्रेस का गद्दावर नेता, दाऊद इब्राहिम के गोद में अदाकाराएं बैठ सकती हैं और दाऊद इब्राहिम के लिए कमर लचका सकता है सारा सारा बॉलीवुड का हीरो, तो फिर लॉरेंस बिश्नोई को के मामले को लेकर के उनके परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के मामले को लेकर के कुछ लोग इतना बड़ा प्रोपगंडा बना रहे हैं मानो जैसे उसने 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसा कुछ करवाया हो। क्या दाऊद इब्राहिम का 93 वाला बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग भूल जाएंगे? 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, तो जब तक मतलब हिंदू मर रहे थे तब तक छाती नहीं पीटी जा रही थी। आज सलमान खान, क्योंकि वो सलमान खान है और उसको उसकी जान पर आई है तो सब कोई छाती पीट रहा है, मतलब के बांग्लादेश में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, पाकिस्तान में हिंदू मरे तो खुशी मुसलमान, सलमान खान को कुछ होगा तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, याकूब मेमन को फांसी लगेगी तो दुख हो जाएगा मुसलमान को, अजमल कसब को फांसी लगेगी तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन मरेगा तो मुसलमान दुखी हो जाएगा, लेकिन हिंदू मरेगा तब मुसलमानों को बड़ी खुशी होती है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की बहू बेटियों को नंगा करके गैंगरेप किया जा रहा था, हिंदुओं की बहु बेटियों बेटियों के ग्रेवान में हाथ डाल करके उनकी इज्जत लूटी जा रही थी, हिंदुओं के मंदिर को तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की देवी देवताओं
की प्रतिमा को चूर चूर किया जा रहा था, मर्दों को पुरुषों को पकड़ पकड़ करके काट काट करके मारा जा रहा था, एक एक साथ दो दो हजार पुरुषों को, बांग्लादेश के हिंदू पुरुषों को जलाया जा रहा था, तब तो मुसलमान बड़ा फातिहा पढ़ रहे थे। तब लेकिन इसमें तो मालूम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिके यौम الدين इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलाद्दालीन आमीन। तब तो पढ़ा जा रहा था। जब हिंदू मरता है तो मिठाइयां बांटती हैं, और एक सलमान खान जो जो मूर्ति पूजा करता है, एक सलमान खान जो गणेश गणेश विसर्जन करता है, आज इसके लिए बड़ा तकलीफ हो रहा है। अरे वो भी तो बुत परस्त है, मरने दो मालूम सलमान इधर खान, जाता क्या है। इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में, मैंने इस दफा ऐसा किया कि जो जो कमेंट, डेफिनेटली हजारों की तादाद में कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग आपकी बातों को पसंद करते हैं, लेकिन हमेशा मैं वो चीज उठाता हूँ जिसे हम कुछ सीख सकें या जिसे अपने आप को बेहतर कर सकें। तो मैंने दो चार पांच कमेंट आपके लिए रखे हैं। एक बंदे ने ये बोला है, मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ जैसे वो उन्होंने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भाई नाजी इलाही को कोई भी टॉपिक दे दे, ये हिंदू मुस्लिम बीच में ले आती है। मतलब अब लॉरेंस, मेरा भी ये चले सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी ये, मतलब मुसलमानों को तो कुछ नहीं कहा गया, किसी भी मुसलमान को कुछ नहीं कहा गया, उसका उसका इशू सलमान खान के साथ है। अब सलमान खान के केस में भी देखा जाए तो सलमान खान ने जो अगर डिसरिस्पेक्ट की है वो लॉरेंस बिश्नोई और उसका, मतलब वो काली हिरन का मामला है। क्या आपको लगता है कि इसमें हम हिंदू मुस्लिम लाकर आपको नहीं लगता कि मजीद मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा देंगे? सबसे पहली बात है कि बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को अपना भगवान मानती है, सलमान खान ने, हजरते आला सलमान खान ने बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके पका करके दारू के साथ चखने में खा लिया लौंडियाबाजी करते वक्त, तो हो गया ना हिंदू मुसलमान, मतलब काट के खा लोगे, काट के खा लोगे भगवान को, और बेटी मिलेगी तो उसको उसका कपड़ा फाड़ करके लूट लोगे, औरत मिलेगी तो काट करके फ्रिज में रख दोगे, हिंदुओं की मूर्ति प्रतिमा मिलेगी तो तोड़ दोगे, हिंदुओं की का मंदिर मिलेगा तो तोड़ दोगे, हिंदू अगर अपना अपना शोभा यात्रा करेंगे तो गोली मार दोगे, अगर कोई नुपुर शर्मा कुरान की कोई बात बताएगी तो जाकर कन्हैया का गला रेत दोगे। ये क्या बात है भाई, ये कब तक भारत के हिंदू बर्दाश्त करते रहेंगे। क्यों खाया सलमान खान ने काले हिरन को, क्यों उसने शराब के साथ काट करके खा लिया, ये तो सबसे पहला सवाल है ना। अब आती है बात कि हिंदू मुसलमान तब होता है जब कुछ दाढ़ी वाले और कुछ मुसलमान लोग आ करके ये कहते हैं कि मुसलमान सोया हुआ शेर है, जगा मत लॉरेन, जगा देगा मुसलमान को तो पता चल जाएगा, तब हमको बताना पड़ता है कि मुसलमानों के घर में आतंकी पैदा होना कोई शॉकिंग वाली बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में बलात्कारी पैदा होना कोई शॉकिंग वाली बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में पत्थरबाज पैदा होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, मुसलमानों के घर में गाली गलौज गंदी गंदी देने वाला मर्द पैदा होना कोई शॉकिंग बात, कोई आश्चर्य वाली बात तो है नहीं, तो जो फैक्ट है सुनने में बुरा क्यों लगता है, करने में तो मुसलमानों को बुरा नहीं लगता है। जब इमाम रजवान मस्जिद के अंदर रेप करते हैं तब तो उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब नाजिया बोलती है कि इमाम रजवान मस्जिद के अंदर रेप किया तब सुनने में बड़ा बुरा लगता है, जब नासिर खान गाड़ी के अंदर ले करके एक क्रिश्चियन लड़की का रेप करता है अपने छोटे भाई के साथ, करते वक्त तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब नाजिया ने बोल दिया कि नासिर खान बलात्कारी है तब सुनने में बड़ा बुरा लगता है। तो आखिर ऐसी वजह क्या है कि मुसलमान को हर वो क्राइम, हर वो अश्लीलता का नंगा नाच, हर वो बदतमीजी, हर वो बेहूदगी, हर वो आवारगी, हर वो बच्चल्ली करने में अच्छा लगता है पर सुनने में बुरा क्यों लगता है। भाई करने में बुरा लगना चाहिए ना, बिल्कुल करने ऐसा में बुरा करने लगना में बुरा चाहिए लगना ना। चाहिए, मतलब ऐसा मैं कोई काम ही ना करूं कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठा सके। मैं अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं कि तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।